आप जो पाकिस्तान से लड़ा है वो नहीं डरा है, तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम। ये हथकड़ी है और ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है, इस पानी लोगों को गर्म पानी से फेंक पड़ा है। देखिए फिर से कहता हूँ कि मेरे ऊपर फिर से लोग एफ आई आर करेंगे, मेरे को फिर से दबाने का प्रयास करेंगे, ताकि हाजत का स्थिति देखिए लोग आप लोग। हमको जो है गजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग, मुंह पे गाजा पी के फूक देता है सब, मेरा माथा दर्द करता है। हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब पहुंच पाता है लोग। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, देखिएगा मेरे ऊपर फिर से एफ आई आर करेगा लोग, मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा। लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे, वादा करता हूँ। और एक दिन हम सरकार बताएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाए बिहार में। बदलिए चलो बिहार को, यहाँ पे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है, बता दीजिए बिहार को, बदलिए लो बिहार को, बदलिए। नीतीश कुमार जी देखिए, ये मनीष कश्यप मर जाएगा लेकिन आपके आगे नहीं झुकेगा। ये हाजत में गांजा से लेके स्मैक से लेके सब कुछ पहुंचता है, और यहाँ तक कि लोग चाकू या बंदूक पहुंचवा के किसी को किसी दिन मरवा देगा लोग। हमको जो है गांजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग, और मुंह पे गांजा पी के फूक देता है सब, मेरा माथा दर्द करता है। हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब पहुंच पाता है लोग। अभी आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, देखिएगा मेरे ऊपर फिर से एफ आई आर करेगा लोग, मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा लोग। लेकिन साला फौजी का बेटा हूँ, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे, वादा करता हूँ। और एक दिन हम सरकार बनाएंगे और चलाएंगे अभी हम सरकार, और दिखाएंगे भी हम सरकार को कि किस प्रकार से सरकार चलाएगा। ये तो बेचारा ईमानदार आदमी है, जितना कांस्टेबल है लोग सब ईमानदार है लोग, इसमें सब बेचारा युवा है लोग, युवा लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है, और जितना अधिकारी सिंगल स्टार डबल स्टार है वो लोग करप्ट है और लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाता। चलाइए बिहार में, बदलिए चलो बिहार को, यहाँ पे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर आदमी परेशान है, बदल दीजिए बिहार को, बदलिए लोग बिहार को, बदलिए। ये देखिए, ये टूटा फूटा गाड़ी जो है बंद हो जाता है रास्ते में, धक्का लगाना पड़ता है, इस गाड़ी में जो है ठूस ठूस के भेजा जाता है। और हाजत जाके चेक करवाइए लोग, आप लोग हाजत, मेरे ऊपर एक नहीं 10 को एफ आई आर कर दे लोग, हम नहीं डरेंगे, काहे कि हम फौजी के बेटा है, मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, वो नहीं डरे, मेरा बाप जो है पाकिस्तान से लड़ा है वो नहीं डरा है, तो हम आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम। ये हथकड़ी है और ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है, इस बार इन लोगों को गर्म पानी से फेंक पड़ा है। देखिए फिर से कहता हूँ कि मेरे ऊपर फिर से लोग एफ आई आर करेंगे, मेरे को फिर से दबाने का प्रयास करेंगे, ताकि हाजत का स्थिति देखिए लोग आप लोग, देखिए लो, देखिए लो, देखिए लो भैया। फिर से तमिलनाडु में मजदूरों को मारा गया है, क्या कहिएगा? अरे बिहार के 6 मजदूरों को मारा गया है, बिहार के मजदूर मार खाते हैं, सरकार देखता है फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है, 6 मजदूर फिर से मार खाया है, 6 मजदूर मार खाया है, पूछे किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, मेरे ऊपर आग लगाया है कि नहीं लगाया है, एनएसए में काहे नहीं डाला जा रहा है। भैया एक सवाल है, एक सवाल है भैया, एक मिनट, हम इतना दिन से चुप थे ना, आज बोलेंगे हम। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, एगो इंजीनियर दब के मर गया, एगो यादव जी दब के मर गए, समस्तीपुर में एगो यादव जी दौड़ा था उनको मार दिया गया, तेजस्वी यादव यादव की बात करते है ना, एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में, काहे नहीं ये लोग जाति के भी नाम पे क्यों नहीं काम आते हैं? नीलेश मुखिया को मार दिया, नीलेश मुखिया को मार दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है। देखिए हम स्पेशल कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मजदूरों के लिए लड़े तो आप पे एनएसए लग गया तमिलनाडु के अंदर, तो जो मजदूरों को मारा है तमिलनाडु में, क्या बिहार में केस होना चाहिए उन लोगों पे? बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं, एनएसए लगना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिहार पुलिस को हिम्मत है पकड़ के लिया जो बिहार के मजदूरों को मारा है, बिहार के जेल में डाले। ये लोग मेरे धैर्य का, मैं 6 महीना से एक शब्द नहीं बोला हूँ, कोर्ट में आता हूँ चुपचाप जाता हूँ, चुपचाप जाता हूँ, आज परेशान कर दिए। क्यों आज इतना नाराजगी, इतना गुस्सा में है भैया? मैं नशा के विरोध अभियान चलाता हूँ, आप लोग देखते हैं, और हाजत में ही लोग स्मैक गांजा सिगरेट सब पहुँचवाते हैं, सब कौन पहुँचवाता है? सब जितना स्टार वाला है, कॉन्स्टेबल नहीं, लोग तो ईमानदार है, स्टार वाला पहुंचवाता है सब, पहुंचवाता है सब, और वहाँ पे गांजा पी के सिगरेट पी के मुंह पे फूक देता है सब,
बताइए हाजत के अंदर, हाजत के अंदर, हाजत के अंदर, हाजत के अंदर गवाह खड़ा करेंगे हम। बढ़ते चले लो, ये चीज है, बढ़ते चले, आगे चले, आगे आगे आगे। वो नहीं डरा है स्वामी, आजाद भारत के आजाद राज्य बिहार में आई नेता से डरेंगे हम। हथकड़ी है और ईमानदार आदमी के हाथ में लगा है, इस बार ही लोगों को गर्म पानी से पेट पड़ा है। फिर से कहता हूँ कि मेरे ऊपर फिर से ही लोग एफ आई आर करेंगे, मेरे को फिर से दबाने का प्रयास करेंगे। जाके हाजत का स्थिति देखिए लोग, आप लोग देखिए लोग, देखिए भैया, फिर से तमिलनाडु में मजदूरों को मारा गया है, क्या कहिएगा? अरे बिहार के 6 मजदूरों को मारा गया है, बिहार के मजदूर मार खाते हैं, सरकार देखता है फिर भी मनीष कश्यप को जेल में डाल देता है। 6 मजदूर फिर से मार खाया है, 6 मजदूर मार खाया है, पूछे किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, मेरे ऊपर एफ आई आर करेगा सभी सब। भाई एम के स्टालिन का बेटवा है ना, उदयनिधि स्टालिन, ये आग लगाया है कि नहीं लगाया है? एनएसए में काहे नहीं डाला जा रहा है? भैया एक सवाल है, एक सवाल है भैया, एक मिनट, हम इतना दिन से चुप थे ना, आज बोलेंगे हम। 1700 करोड़ का पुल गिर गया, एगो इंजीनियर दब के मर गया, एगो यादव जी दब के मर गए, समस्तीपुर में एगो यादव जी दरोगा थे उनको मार दिया गया, तेजस्वी यादव की बात करते है ना, एगो यादव ठेकेदार को मार दिया गया मोतिहारी में, काहे नहीं ये लोग जाति के बिना पे क्यों नहीं काम आते हैं? नीलेश मुखिया को मार दिया, नीलेश मुखिया को मार दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है। देखिए हम स्पेशल कोर्ट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप मजदूरों के लिए लड़े तो आप पे एनएसए लग गया तमिलनाडु के अंदर, तो जो मजदूरों को मारा है तमिलनाडु में, क्या बिहार में केस होना चाहिए उन लोगों पे? बिहार में केस होना चाहिए कि नहीं? एनएसए लगना चाहिए, होना चाहिए, बिहार पुलिस को हिम्मत है पकड़ के लिए, जो बिहार के मजदूरों को मारा है बिहार के जेल में डाले। ये लोग मेरे धैर्य का, मैं 6 महीना से एक शब्द नहीं बोला हूँ, कोर्ट में आता हूँ चुपचाप जाता हूँ, चुपचाप जाता हूँ, आज परेशान कर दिए। क्यों आज इतना नाराजगी, इतना गुस्सा में है भैया? मैं नशा के विरोध अभियान चलाता हूँ, आप लोग देखते हैं, और हाजत में ही लोग स्मैक, गांजा, सिगरेट सब पहुँचवाते हैं, सब कौन पहुँचवाता है? सब जितना स्टार वाला है, कॉन्स्टेबल नहीं, लोग तो ईमानदार है, स्टार वाला पहुंचवाता है सब, पहुंचवाता है सब, और वहाँ पे गांजा पी के सिगरेट पी के मुंह पे फूंक देता है सब। बताइए हम हाजत के अंदर, हाजत के अंदर, हाजत के अंदर, हाजत के अंदर गवाह खड़ा करेंगे हम। बढ़ते चले लो, ये चीज है।